एवरीवन, गुड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज रियल लाइफ ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सब एकदम अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे अभी सुबह मतलब दोपहर का वक्त हो रहा है, 12:30 बज चुके हैं और मैं सुबह का सारा काम वाम निपटा के नहा धो के आई थी। तो मैं थोड़ा सा पूजा कर ले रही थी, पूजा करने के बाद मैं खाना वाना खाई और उसके बाद अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6:00 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय शाम की। और ये नमकीन थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने चाय के साथ खाने के लिए निकाल लिया है। ये पता है सोया स्टिक है, ये ना मतलब हमारा फेवरेट, हम दोनों को बहुत पसंद है ये। तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, जब भी ऑर्डर करते हैं तो साथ में ये सोया स्टिक के 3-4 पैकेट ले लेते हैं, बिकॉज़ ये चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा चाय वाय हो गया और उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धो रही थी। तो एज यूजुअल अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं बर्तन धोने जाती हूँ और पानी चला जाता है, तो फिर से पानी चला गया था। तो फिर मैं, और ऐसा होता है ना कि मतलब मैं बर्तन को साबुन लगा देती हूँ, उसके बाद जब धुलने के लिए टैब ऑन करती हूँ तो पानी नहीं रहता है, तो काम डबल हो जाता है। पहले साबुन लगा के साबुन सूख जाता है और उसके बाद फिर से मुझे सारे बर्तन घिसने पड़ते हैं। साबुन सूखने के बाद जल्दी नहीं निकलता ना, तो सबको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है फिर से। तो उसके बाद यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ये बैंगन की सब्ज़ी। और ये छोटे छोटे वाले बैंगन है ना, ये फर्स्ट टाइम ये लेके आए थे छोटे वाले बैंगन। इसके ना ये बनते हैं भड़वा बैंगन, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं वही बनाऊँगी, लेकिन अभी रात हो गया है तो ये बोले कि चलो अभी सब्ज़ी बना लो, अभी थोड़े बैंगन और रखे हुए हैं, तो मैं उसके भड़वा बैंगन बनाऊँगी। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, बट वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है भड़वा बैंगन, तो मैं बनाऊँगी। और ये छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना, इसमें ऊपर में ना मतलब बहुत सारे कांटे होते हैं, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो इसमें बहुत सारे कांटे हैं। तो मैंने सबको बहुत आराम आराम से सारे कांटे को निकाला उसमें से, और उसके बाद सबको अच्छे से कट कर लिया है, पानी में डाल के छोड़ा है। बैंगन को हमेशा कट करने के बाद ना थोड़ा टाइम पानी में छोड़ना चाहिए, जिससे उसका जो मतलब कड़वापन होता है ना, थोड़ा पानी में निकल जाता है। तो उसके बाद बैंगन कट करने के बाद प्याज टमाटर मिर्ची ये सब कट कर रही थी, और उसके बाद थोड़े से आलू कट किए मैंने। मैं मिक्स करके बनाती हूँ ये सारी सब्जियाँ। ऐसे तो मैं बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी, बट मैंने उसमें थोड़े से आलू भी मिक्स कर दिए, बिकॉज आलू भी साथ में अच्छे लगते हैं बैंगन के। और बैंगन की सब्ज़ी भी हम लोगों की फेवरेट ही है समझो, क्योंकि अक्सर मैं बनाती हूँ और अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी और गैस किया है ऑन। गैस करके ऑन करके उसमें मिर्ची ज़ीरा छौंक में डाल दिया है, और उसके बाद प्याज। बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी को फटाफट छौंक दे रही हूँ, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और ये सारे बैंगन डाल के ना मैं थोड़े टाइम इसको गलने के लिए ढक देती हूँ, ताकि बैंगन जो है अच्छे से गल जाए एकदम। तो मैं बस बैंगन और टमाटर डाल के, और टमाटर के बाद तो नमक डलता ही हमेशा, और डाल के बस इसको ढक के छोड़ दूँगी थोड़ा सा, ताकि ये गल जाए अच्छे से। और बैंगन जब गल जाता है ना अच्छे से, तो फिर उसमें सारे मसाले डाल के फिर उसको भूनने के लिए छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंगन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो मैं अब सारे जो खड़े मसाले जो सारे हैं वो सब डाल दे रही हूँ। तो बस नमक मिर्च, नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, मिर्ची हल्दी धनिया ये सब डाल दिया मैंने, और इसमें थोड़े से गरम मसाले भी डाल दिए मैंने, अभी डाल दिया। तो बस ये बैंगन बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था, और मसाले जब तक भुने ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसमें पानी डाल दे रही थी, बिकॉज मसाले सारे भुन चुके थे अच्छे से। और ये बैंगन मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था, कि सारा बैंगन जो है ना एकदम अच्छे से गल चुका है, भूनते ही सारा बैंगन अच्छे से गल गया है। कभी कभी कोई कोई सा बैंगन ऐसा रहता है वो नहीं गल पाता है, पूरी तरह से खड़ा खड़ा ही रहता है, बट ये एकदम गल गया पूरी। तो
तो बस मैंने सब्जी को उस तरफ कर दिया है, वो धीरे धीरे हो जाएगा उधर। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बेल ले रही हूँ। और हमारा काम तो ऐसे ही दिन भर चलता ही रहता है, एक टाइम से फ्री हुए तो दूसरे टाइम का काम स्टार्ट, दूसरे टाइम से फ्री हुए तो तीसरे टाइम का काम स्टार्ट, ऐसे ही बस काम तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं, और आजकल ना यहाँ पे गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किचन में तो मानो हालत ही ख़राब हो जाता है खाना बनाते बनाते, बट फिर भी हम लोग को तो बनाना ही है, हमेशा बनाना है, सुबह में भी बनाना है, शाम को भी बनाना है, दोपहर में भी बनाना है लंच का, और इवनिंग में भी बनाना है, हर टाइम बनाना है। हम मतलब लेडीज़ लोग जो भी होंगे सबकी लाइफ में ऐसा ही चलता होगा। और इसी वजह से ना सर्दी जुकाम भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी में इतना गर्मी में खाना बनाते रहो और उसके बाद प्यास भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और पसीना भी आते रहता है और इमिडिएटली हम लोग पानी पी लेते हैं, तो बस इसी कारण सर्दी जुकाम भी हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा कि मतलब जितना पसीना काम करने में आया हुआ हो तो वो पहले आराम कर ले, थोड़ा सा पंखे में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद पानी पिए, नहीं तो ठंडा गर्म के कारण इसी कारण से जुकाम होता है। और मुझे तो मतलब गर्मी के मौसम में अक्सर हुआ ही रहता है, क्योंकि मेरा मतलब हमेशा प्यास लगता है और मैं काम करते रहती हूँ इतनी गर्मी में, और अचानक से एकदम फ्रिज का पानी ठंडा ठंडा पी लेती हूँ तो बस हो जाता है फिर। तो बस यहाँ पे हमारा रोटी भी बन गया और बस मैंने उसमें घी भी लगा के रख दिया और सारा किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ। सारे बर्तन बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए और सारा निकाल के, और सारा प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लिया है, और यहाँ पे अब जो भी बर्तन था वो सब धुल दे रही हूँ। और गाइस आजकल मैंने ये वीडियोस मतलब कुछ एक्स्ट्रा रेसिपी वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी गर्मी के कारण जुकाम हो गया है, तो बस इसलिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर लग चुका है, बैंगन की सब्जी और रोटी, सिंपल सा। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर इंजॉय करने, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।